हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार, आज का अपना टॉपिक है रेटिकुलर फॉर्मेशन। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है। ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड इट्स फंक्शन। तो आज अपन अपने टॉपिक में यही पढ़ने वाले हैं कि रेटिकुलर फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, और क्या इसका फंक्शन होता है। ठीक है, तो दो चीज़ें आज अपन इसमें पढ़ेंगे। तो यार, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और उसके बाद जो मेरे नोट्स हैं यार, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो आप वहाँ से जाके ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, रेटिकुलर फॉर्मेशन। क्या होता है रेटिकुलर फॉर्मेशन? रेटिकुलर फॉर्मेशन इज अ डिफ्यूज मास ऑफ न्यूक्लियस, या तो फिर क्या, नर्व फाइबर्स, विच फॉर्म्स एन इल डिफाइंड मेशवर्क। मतलब कि कुछ ज़्यादा डिफाइंड नहीं रहता वो मेशवर्क जिसका वो फॉर्मेशन करते हैं। कौन फॉर्मेशन करता है? डिफ्यूज मास। ठीक है, डिफ्यूज मास किसका? न्यूरॉन्स का, ठीक है, या तो फिर नर्व फाइबर्स का। ठीक है, इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये मिड ब्रेन है। ठीक है, उसके बाद पोन्स एंड लाफ्टर मॉड्यूला। ठीक है, तो मतलब तीन पार्ट होते हैं मिड ब्रेन में, मिड अपने ब्रेन स्टेम में। ठीक है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला। ठीक है, तो उसके सेंट्रल पोर्शन में अपने को रेटिकुलर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अपन सिचुएशन की बात कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ी। ठीक है, सिचुएटेड इन ब्रेन स्टेम। ठीक है, ब्रेन स्टेम में मेनली सिचुएटेड रहता है, बट क्या होता है, ये एक्सटेंड करता है। ठीक है, मेनली तो उसी में है। ठीक है, लेकिन इसके कनेक्शंस क्या एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अगर मैं एक्सटेंड करूं डाउनवर्ड की बात, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। ठीक है, अगर डाउनवर्ड एक्सटेंशन हो रहा है इसका, ठीक है, तो कहाँ जाएंगे? स्पाइनल कॉर्ड में। और अगर इसका अपवर्ड करवाऊँ तो कहाँ जाएगा ये? अपना थैलमस एंड सब थैलमस एरिया में। ठीक है, इतना अपने को समझ आ गया। अब इसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो इसके लिए पांच ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस यार रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूट करती हैं इसको, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन को। इसमें से पहली होती है अपनी रेफे न्यूक्लियस। ठीक है, रेफे न्यूक्लियस क्या होती है? सिचुएटेड अलोंग मिड लाइन ऑफ ब्रेन स्टेम। ठीक है, फॉर्मिंग अ कंटिन्यूस कॉलम। ठीक है, मतलब कि क्या है, ऐसे मान के चलो कि ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, ये पूरी की पूरी क्या हो गई अपनी यहाँ पे ब्रेन स्टेम है, तो इसकी मिड लाइन ये होगी। ठीक है, तो इसी मिड लाइन पे अपने को मिलेगी क्या, रेफे न्यूक्लियस पूरी अलोंग दी मिड लाइन। ठीक है, इतना अपने को समझ में आ गया। ये सीक्रेट क्या करवाती है? ये सीक्रेट करवाती है क्या, न्यूरोट्रांसमीटर जिसका नाम है सेरोटोनिन। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि डोपामीन एंड सेरोटोनिन आर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। ठीक है, सेरोटोनिन का और क्या नाम होता है? 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामीन। ठीक है, तो ये आप याद कर लेना। इसके बाद सेकंड न्यूक्लियस की बात करते हैं, तो पैरामीडियन ग्रुप्स होते हैं न्यूक्लियस के। ठीक है, पैरामीडियन क्या, मीडियन के साइड में। ठीक है, नोन एज पैरामीडियन ग्रुप्स। ठीक है, इंक्लूड न्यूक्लियस रेटिकुलरस। ठीक है, पैरामीडियनस। ठीक है, एंड पॉइंटेंट रेटिकुलोटैगमेंटल न्यूक्लियस। ठीक है, दो न्यूक्लियस होती हैं इसके अंदर। ठीक है, पैरामीडियन ग्रुप्स के अंदर। ठीक है, इनका मेन फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है मोटर फंक्शन। ठीक है, मतलब मोटर एक्टिविटी को क्या करवाएंगी, ये करवाती है। ठीक है, थर्ड देखते हैं अपन कौन से, लेटरल ग्रुप्स। ठीक, लेटरल ग्रुप्स में कुछ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे। ठीक है, लेटरल ग्रुप्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? नाम से ही समझ में आ रहा है, लेटरल साइड होगा। ठीक है, सिचुएटेड इन द लेटरल 1/3 ऑफ टैगमेंटम। ठीक है, लेटरल 1/3 ऑफ टैगमेंटम। ठीक है, अब टैगमेंटम क्या होता है यार, ये आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखिए, मिड ब्रेन का सेक्शन है। ठीक है, अगर मैं मिड ब्रेन को ऐसे मान, चलिए मिड ब्रेन था, इसको अगर मैं ऐसे कट करवा रहा हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसका अपने को कुछ इस टाइप से, ऐसे सामने से देखोगे तो ऐसा कुछ आपको सेक्शन देखने को मिलेगा, तो ये सेक्शन वही है। तो क्या होता है, जैसे अगर हम बात करूँ, ये अपना एंटीरियर पोर्शन है और ये पीछे वाला अपना पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है, तो क्या सबसे पहले तो आता है क्रस सेरिब्राई। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अपना कौन सा, टैगमेंटम। ठीक है, टैगमेंटम, फिर उसके बाद सबसे पोस्टीरियर कौन सा रहता है, टैक्टम। ठीक है, टैक्टम एंड टैगमेंटम। टैगमेंटम को अपन एंटीरियर बोल सकते हैं, ठीक है, और टैक्टम को बोल सकते हैं अपन पोस्टीरियर। ठीक है, सिंपल। तो अब बात करते हैं अपन, वापस से चलते हैं यहीं पर, अपन थे लेटरल ग्रुप्स पे। ठीक है, तो किस में सिचुएटेड होगा, सिचुएटेड इन द लेटरल 1/3 ऑफ टैगमेंटम। तो टैगमेंटम अपन ने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था एंटीरियर पोर्शन में था ब्रेन के, उसके मिड ब्रेन के सेक्शन में, तो उसके लेटरल 1/3 में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, ये पूरा है, ठीक है, ये इसकी मिडिल लाइन है, तो इसका मीडियल होगा और ये थंब साइड अपना क्या, लेटरल होगा। तो लेटरल 1/3 में अपना टैगमेंटम की मिलती है लेटरल ग्रुप्स ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस रिसीव सेंसरी सिग्नल्स फ्रॉम द क्रेनियल नर्व, सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये तीन जगह से क्या करती हैं, सेंसरी इम्पल्स को रिसीव करती हैं। ठीक है, फोर्थ क्या होता है अपना, मीडियन ग्रुप्स। ठीक है, मीडियन ग्रुप्स कहाँ सिचुएटेड होते हैं? जो मीडियन ग्रुप्स होते हैं वो अपने सिचुएटेड होते हैं
अगर मान चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, ठीक है, अपना जो टैगमेंटम वाला पोर्शन था तो ये मिड लाइन होगी, तो मिड लाइन के यहाँ पे मीडियल साइड, यहाँ पे थंब के अबे मीडियल साइड, मिड लाइन साइड, तो यहाँ पे 2/3 पोर्शन ऑफ टैगमेंटम में अपने को मीडियल ग्रुप्स मिलते हैं, ठीक है, और वो एसोसिएट करते हैं मोटर फंक्शंस के साथ, ठीक है, मतलब मोटर सिग्नल्स भेजाएंगे, ठीक है, और लेटरल ग्रुप्स क्या थे अपने, सेंसरी थे, ठीक है। अब बात करते हैं 5th, इंटरमीडिएट ग्रुप्स, ठीक है, इंटरमीडिएट ग्रुप्स प्रेजेंट ओनली इन मेड्यूला, याद रखना कि मेड्यूला में अकेला प्रेजेंट होते हैं इंटरमीडिएट ग्रुप्स, ठीक है, बिटवीन लेटरल एंड मीडियल ग्रुप्स जो मैंने आपको बताया दोनों, ठीक है, उनके बीच में होते हैं इनकी न्यूक्लियस के, ठीक है। कंसर्न विद ऑटोनॉमिक फंक्शनल, ठीक, ऑटोनॉमिक रेगुलेशंस, ठीक है, जो फंक्शंस होते हैं उनका, जैसे अपना रेस्पिरेशन हुआ अपने आप होता है, ऑटोमेटिक है, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये सारे क्या है, ऑटोनॉमिक फंक्शन है, ठीक है, तो इनको क्या करेगा, ये रेगुलेट्स करवाती है इंटरमीडिएट न्यूक्लियस या ग्रुप्स, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन डिवीजन की, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन को अपन को डिवाइड करना है तो कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अपन इनकी लोकेशन के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ब्रेन स्टेम तो काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है, उसमें 3 पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन, पोन्स, मेड्यूला, ठीक है, तो तीनों के अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेड्यूला के, तो उनके बेसिस पर अपन इनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। मेड्यूलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन जो मेड्यूला में होगा, ठीक है, पॉइंटाइन रेटिकुलर फॉर्मेशन जो पॉइंटाइन या पोन्स में होगा, ठीक है, और थर्ड होता है मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन, ठीक है। मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन मतलब कि जो मिड ब्रेन में रेटिकुलर फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या डिवीजन होगा, ठीक है। अब इसके कनेक्शंस की बात कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो कनेक्शंस में आप यहाँ देखिए, जो पहला कनेक्शन होते हैं वो होते हैं आफरेंट कनेक्शन और सेकेंड होते हैं ईफरेंट कनेक्शन, ठीक है। आफरेंट मतलब क्या, जो रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास लेके आ रहे हैं, ठीक है, नर्व्स, इम्पल्स, ठीक है, और ईफरेंट कनेक्शन मतलब जो लेके जा रहा है वहाँ से इम्पल्स अदर पार्ट्स के लिए, ठीक है। तो आफरेंट कनेक्शंस अपने क्या कौन से होते हैं, जो सिग्नल लेके आते हैं मतलब सेंसरी टाइप, ठीक है, मतलब कि कोई भी इम्पल्स लेके आ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये अपना रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक, किस किस के साथ कनेक्ट करा है, सेरिबेलम से इम्पल्स आ रही है, ठीक है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रही है, कॉर्पस स्ट्रेटम, कॉर्पस स्ट्रेटम में क्या क्या होता है, ग्लोबस पैलिडस, ठीक है, एंड पुटमैन, दो पार्ट मिलकर कॉर्पस स्ट्रेटम का फॉर्मेशन करवाते हैं, ठीक है। थैलमस से जाएंगे फाइबर्स रेटिकुलर फॉर्मेशन के लिए, स्पाइनल कॉर्ड, अगर स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर जा रहे हैं तो अपने को पता है स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, बहुत सारे सेंसेशन, टच, पेन रिसेप्टर से होते हैं वहाँ पे अपनी बॉडी में, तो वहाँ से क्या टच का, पेन का, कानेस्थेटिक सेंसेशन, ये सारे के सारे सेंसेशन लेके आती है। तो अब क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ कि मान चलो अपना बॉडी का कोई सा भी पार्ट, यहाँ सेंसेशन आएगा, ये स्पाइनल कॉर्ड से फाइबर ऊपर चला गया, यहाँ पे रेटिकुलर फॉर्मेशन है, ठीक है, तो इसको लेके जाना है थैलमस के पास ही ले गया, बट यहाँ पे कुछ कोलेटरल्स होते हैं, कोलेटरल मतलब छोटी छोटी ब्रांच होती हैं जो कि निकल के अपना रेटिकुलर फॉर्मेशन में जाती हैं, तो ये भी क्या होती है, एक तो इनका काम है कि ये तो ब्रेन तक को लेके ही जाएंगे, ठीक है, सेंसेशन वगैरह सारी चीज़ें, लेकिन ये कुछ इनके कोलेटरल्स अपने रेटिकुलर फॉर्मेशन को भी इम्पल्स दे देते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं सेंसरी पाथवेज, ठीक है, ऐसे ऑप्टिक पाथवे हो गया, ऑडिटरी पाथवे, ऑल्फैक्ट्री, टेस्ट, ठीक है, स्पेशल सेंस हैं अपने, ठीक है, तो इनके पाथवे होते हैं वो भी रेटिकुलर फॉर्मेशन से कनेक्ट होते हैं, ठीक। ई फ्रेंड कनेक्शंस में क्या होगा, मतलब कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से अब दूसरी जगह पे अपना कनेक्शन होने वाला है, मतलब कि ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ से अपने फाइबर्स जाएंगे और कहीं टर्मिनेट होंगे, ठीक है, ब्रेन के अदर्स पार्ट में, ठीक है, तो इसमें क्या क्या हो सकता है, रेटिकुलर फॉर्मेशन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जा सकता है, ठीक है, और सेरिबेलम में जा सकता है, ठीक है, थैलमस, हाइपोथैलमस या सबथैलमस में, ठीक है, रेड न्यूक्लियस, सब्सटेंसिया नाइग्रा, टेक्टम, ठीक है, टेक्टम का मिड ब्रेन का पीछे वाला पोर्शन होता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होती है, सब्सटेंसिया नाइग्रा जो कि एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और रेड न्यूक्लियस भी मिड ब्रेन मिलती है अपने को, तो वहाँ तक क्या रेटिकुलर फॉर्मेशन अपना कनेक्शन बनवाते हैं, और लास्ट आती है अपनी स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में भी अपने कुछ फाइबर्स भेज देते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अपन इनके फंक्शंस की, ठीक है, तो बेस्ड ऑन दी फंक्शंस, ठीक है, फंक्शन के बेसिस पे अपन ने जो रेटिकुलर फॉर्मेशन इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया है, ठीक है, पहला क्या होता है असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम और सेकंड होता है डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम, ठीक है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है, तो पहले अपन बात करेंगे असेंडिंग, ठीक है, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसका 3 काम होता है मेनली, ठीक है, कंसर्न विद दी अराउजल फिनोमिना जो जागने का है, अलर्टनेस, मेंटेनेंस ऑफ अटेंशन, ठीक है, अपन कुछ भी अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसको अटेंशन देते हैं तो वो सारा चीज़ का काम होता है, ठीक, वेकफुलनेस, ठीक है, इसका काम होता है। सेकंड क्या, ऑल्सो कॉज इमोशनल रिएक्शंस, जो इमोशनल रिएक्शंस आते हैं वो सारे के सारे अपने यहाँ से रेटिकुलर फॉर्मेशन भी करवाता है, उसमें भी मेनली कौन सा, असेंडिंग रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, ठीक है।
थर्ड होता है रेगुलेटिंग दी लर्निंग प्रोसेस, जो लर्निंग प्रोसेस होती है अपन कुछ भी चीज़ सीखते हैं ना उसको रेगुलेट करवाती है, ठीक है। एंड दी डेवलपमेंट ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स, जो कंडीशनल रिफ्लेक्स होते हैं उसको भी डेवलपमेंट ही करवाती है। आगे बात करते हैं और अपन, अगर कोई सा भी ट्यूमर क्रिएट हो जाता है, अगर लेसन क्रिएट हो जाता है, ठीक है, ARAS में, ठीक है, तो क्या होगा, तो अपना जो वेकफुलनेस, अराउजल, अलर्टनेस, ये सारी चीज़ें हो रही थी ना, तो अब वो नहीं हो पाएंगी, वो सिग्नल अपने पास नहीं आ पाएगा, तो अपने को स्लीपिंग सिकनेस हो जाएगी और मे बी इंसान जो है वो कोमा में भी जा सकता है, ठीक है। फंक्शंस ऑफ डिसेंडिंग आर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, मैं आपको यार एक चीज़ और बता देता हूँ, यहाँ पे जो अपन ने ARAS पढ़ा था ना, तो इसके बारे में आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, थोड़ा वेट करो कि इसका मैकेनिज्म कैसे चलता है, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ऐसे चलता है, मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है। पहला होता है इसका क्लासिकल सेंसरी पाथवे, ठीक है, पहला क्या होता है इसका क्लासिकल सेंसरी पाथवे लिख देते हैं, ठीक है, क्लासिकल, ठीक है, सेंसरी पाथवे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है जो इस सेंसेशन लेके आते हैं अफेरेंट फाइबर्स, ठीक है, असेंडिंग, ठीक है, तो असेंडिंग में क्या होगा, कुछ सेंसेशन लेके आएंगे बट वो स्पेशल सेंसेशन होंगे, ठीक है। स्पेशल सेंसेशन का मतलब क्या, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आप ऑडिटरी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आप यहाँ से सुनोगे तो यहाँ से इम्पल्स आएगा रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास, और रेटिकुलर फॉर्मेशन वो इम्पल्स फर्दर आगे ले जाएगा, ठीक है। तो ये फाइबर तो इसके ऐसे मान चलो ये रेटिकुलर फॉर्मेशन है, इसके पास ये फाइबर लेके आ रहे हैं, तो दैट्स कॉल्ड दी अफेरेंट फाइबर्स, ठीक है। और यहाँ से कोई हायर सेंटर्स के पास फाइबर लेके जाए, जैसे क्या कॉर्टेक्स मान लूँ मैं, ठीक है, कॉर्टेक्स हो गया, ठीक, कॉर्टेक्स के पास लेके जाने, दैट्स कॉल्ड इफरेंट फाइबर या इफरेंट कनेक्शन ऑफ रेटिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो क्या हो गया, तो ऐसा होता है कि ऑडिटरी के लिए अपने स्पेसिफिक एरिया होते हैं यार कॉर्टेक्स में, ठीक है, तो वो स्पेसिफिक रीजन पे ही लेके जा रहा है, ठीक है, स्पेसिफिक रीजन, ठीक है, जो ऑडिटरी का है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे स्पेसिफिक रीजन में लेके जा रहा है कॉर्टेक्स का, इसलिए अपन बोलते हैं इसको क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल सेंसरी पाथवे, ठीक है। और सेकेंड होता है अपना कौन सा, नॉन क्लासिकल, ठीक है, नॉन क्लासिकल, ठीक है। तो नॉन क्लासिकल का मतलब क्या है, नॉन क्लासिकल भी बता देते हैं आपको, ठीक है। नॉन क्लासिकल में क्या होता है अपना, कि मान चलो यहाँ से कोई सा भी अपना पेन, टच, सेंसेशन कुछ भी है, ठीक है, वो जा रहा है, ठीक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन के पास पहुँचा, वहाँ से वो लेके गया वो कॉर्टेक्स में, ठीक है, तो कॉर्टेक्स में, सॉरी, ठीक है, कॉर्टेक्स में लेके गया, तो कॉर्टेक्स में लेके जाने के बाद क्या होगा कि उसके लिए बहुत सारे एरिया होंगे कॉर्टेक्स में, ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होगा, मतलब वो बहुत सारे एरिया से कनेक्ट होगा, मतलब यहाँ पे स्पेसिसिटी नहीं है, ठीक है, स्पेसिफिक इसी एरिया में जाएगा, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं नॉन क्लासिकल, ठीक है, किसको, उसको अपन क्या बोलेंगे, नॉन क्लासिकल, ठीक है, पाथवे। तो ये दो मैकेनिज्म होते हैं यार इसके, मैंने आपको बता दिया जनरली, आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, डिसेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसको भी यार डिवाइड किया है टू पार्ट्स में, ठीक है, पहला इसका क्या होता है, डिसेंडिंग फैसिलेटरी रेटिकुलर सिस्टम, और सेकंड होता है डिसेंडिंग इनहिबिटरी रेटिकुलर सिस्टम, ठीक है। डिसेंडिंग मतलब कि रेटिकुलर फॉर्मेशन से डिसेंड करेंगे फाइबर्स, ठीक है, तो अब उसमें क्या हो रहा है, उसमें अब पहला क्या है अपना फैसिलेटिंग और दूसरा अपना इनहिबिटरी, ठीक है, तो मतलब एक तो क्या करेंगे, फैसिलेट करेंगे और दूसरे क्या करेंगे, इनहिबिट करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो पहले अपन देख लेते हैं कौन से, DFRS, ठीक है, डिसेंडिंग फैसिलेटिंग रेटिकुलर सिस्टम, मतलब जो फैसिलेट करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेंटेन मसल टोन बाय एक्साइटिंग गामा मोटर न्यूरॉन्स इन स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, अपने को पता है फैसिलेटिंग है, तो क्या करेंगे, फैसिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को, ठीक है, जैसे अपने गामा मोटर न्यूरॉन्स हैं, वो अपने क्या करवाते हैं, मसल टोन, ठीक है, अगर उनको ये एक्टिवेट करेंगे, उनको ये फैसिलेट्स करवाएंगे, तो क्या होगा, मसल टोन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, सिंपल। सेकेंड क्या है, फैसिलेट्स मूवमेंट ऑफ द बॉडी, ठीक है, जो मॉडी बॉडी के मूवमेंट्स होते हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं, उनको फैसिलेट्स करते हैं, ठीक है। रोल इन वेकफुलनेस, ठीक है, अलर्टनेस बाय एक्टिवेटिंग ARAS, ठीक है, जो असेंडिंग थे अपने, असेंडिंग रेटिकुलर सिस्टम वाले, उनको क्या कर देते हैं, एक्टिवेट कर देते हैं, जिस वजह से अपनी वेकफुलनेस और अलर्टनेस हो जाती है, ठीक है। तो ये अपने सारे के सारे कौन से फंक्शन हो गए, ये अपने सारे के सारे हो गए अपने कौन से, सोमेटो मोटर एक्टिविटीज, ठीक है। सोमेटो मोटर्स का मतलब क्या होता है, कि सोमेटिक इम्पल्स लेके जा रही है और मोटर है, ठीक है। अब इसके बाद जो लास्ट बचे, सेंटर फॉर फैसिलेटिंग द ऑटोनॉमिक फंक्शन, ठीक है, दिस इज अ वेजिटेटिव फंक्शन या फिर फैसिलेटिंग ऑफ वेजिटेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे जो नॉर्मल फंक्शन चलते हैं, कार्डियक फंक्शंस, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन, इन सबको ये फैसिलेट्स करवाते हैं, ठीक है। सेकेंड्स क्या होते हैं, DIRS, ठीक है, यहाँ पे क्या होंगे, डिसेंडिंग, ठीक है, कौन से, इनहिबिटरी।
तो ये क्या करवाते हैं, इनका रोल होता है मसल टोन को इनहिबिट करने में। कैसे इनहिबिट्स कर देते हैं, गामा मोटर न्यूरॉन्स को जो स्पाइनल कॉर्ड में होते हैं, इस वजह से मसल टोन क्या डिक्रीज कर जाती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मूथनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट्स। ठीक है, इस वजह से क्या, इनकी जो अपनी वॉलेंट्री मूवमेंट्स होंगी उनकी एक्यूरेसी होती है, ठीक है, उसको स्मूथनेस प्रोवाइड करवाते हैं। कंट्रोल दी मस्कुलर एक्टिविटी बाय इनहिबिटिंग मोटर न्यूरॉन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अपने जो मोटर न्यूरॉन्स थे, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, गामा मोटर न्यूरॉन्स, उनको इनहिबिट कर देते हैं, इस वजह से अपनी स्मूथनेस आ जाती है मसल्स में। ठीक है, कंट्रोल द रिफ्लेक्स मूवमेंट, जितने भी रिफ्लेक्स मूवमेंट होते हैं उनको सारों कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका अगर वेजिटेटिव फंक्शन देखा जाए इनहिबिटरी, तो वो क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को इनहिबिट करते हैं, जैसे कार्डिक फंक्शन, ठीक है, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेशन, बॉडी टेम्परेचर, गेस्टो इंटेस्टाइनल फंक्शन। ठीक है, तो जो अपने इनहिबिटरी थे वो अपने इनहिबिट कर रहे हैं डिसेंडिंग वाले, ठीक है, और जो एक्साइटेटरी थे या फिर जो फैसिलिटिंग थे वो फैसिलिट्स करते थे इन फंक्शन को। जस्ट अपोजिट है, आप इसको एक बार देख लेना, बस इतना ही यार, इतना ही आप पढ़ लेना, शॉर्ट नोट आता है इसके ऊपर, तो शॉर्ट नोट के लिए सफिशियंट कंटेंट है। ठीक है, बाकी अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।